राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान में अब बीजेपी भी कूद गई है। राज्य के कांग्रेस में मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधान ने कहा कि सचिन पायलट से कभी कभी मुलाकात हो जाती है। पायलट तो कांग्रेस के नेता हैं और ये इनके घर का मामला है। वहीं गहलोत को लेकर मंत्री ने कहा कि वो एक बड़े नेता हैं। यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ एक आपसी लड़ाई करने वाले लोगों की सत्ता लालूपी लोगों की समूह बैठा है। इसलिए उनको उन्होंने जिस मैंडेट को उनको मिला था पिछले चुनाव में, उस मैंडेट का उन्होंने अनादर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, आपसी रंजिश उनकी चरम पे है, लोक कल्याण उनकी एजेंडा में नहीं है, इसलिए इसकी परिणाम सब। मैंने आज एक चालक भाई को टैक्सी में कल रात को उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से लेके आए, फिर आज सुबह यहाँ आते हुए उनको पूछा क्या होगा, अगर उसे तो जाना तय है। एक सामान्य गाड़ी चालक की भाई बड़ा कोई हेजिटेशन नहीं था उनके मन, स्पष्ट रूप में कहा इनको तो जाना ही है, तो क्यों जाने से जाना ही है, बेकार लोग। ये राजस्थान की लोगों की मन की बात है, दीवारों में स्पष्ट रूप में लिखा दिख रहा है। अरे हमारी चेहरा विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, ये इसी में मैं अगर आपको याद दिलाऊं, जब वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी उसकी पहले माननीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष होते थे, वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष होते थे, उन्होंने यही राजस्थान में कहा था यहाँ चुनाव लड़ रहा है कमल, यहाँ चेहरा नरेंद्र मोदी जी है कमल, नाच नहीं आता है आंगन टेढ़ा है कहने वाले लोग हैं। मैंडेट आपको मिला है, सचिन पायलट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये अलग बात है। सचिन पायलट अगर हमसे इकट्ठा थे कभी कभार मिल जाते तो हाँ राम राम हो जाता है। मैं अशोक गहलोत जी को भी आदर करता हूँ, बड़े लोग हैं, देश के बड़े प्रतिष्ठित जननेता है, लेकिन उनकी घर की झगड़ा वो छुपा नहीं पा रहे। मैं फिर कहूँगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जयपुर में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।